वेलकम टू माय चैनल बिहार के फिटनेस ऑफिशियल। यू आर वाचिंग बिलाल रजा, हेल्थ केयर फिटनेस ट्रेनर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। सो गाइस, ये हमारी तीसरी वीडियो है होम वर्कआउट की, जिसमें मैं आपको फिर बोटल्स के थ्रू वर्कआउट करके बताऊंगा। आज मैं वर्कआउट करूंगा कंप्लीट आर्म्स की, बाइसेप और ट्राइसेप दोनों वर्कआउट मैं आज आपको करके दिखाऊंगा। तो गाइस, यहाँ भी हम लोग हर एंगल के तीन तीन सेट निकालेंगे, लाइट, हेवी और उससे हेवी। अगर आपको यहाँ पर बाइसेप और अच्छी तरीके से पंप करने हैं तो आप आखिरी वाले वेट के टू मोर रेप्स, टू मोर सेट्स निकाल सकते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो गाइस, ये हमारा फर्स्ट सेट है जहाँ पर मैंने ये लाइट वेट का इस्तेमाल करके अपने आर्म्स को पहले पंप करूंगा अच्छी तरीके से। यहाँ पर मैं लगाऊंगा सुपर सेट, बाइसेप और ट्राइसेप का दोनों कॉम्बिनेशन करेंगे हम लोग यहाँ पर। सो फर्स्ट सेट हमारा हम लोग अपना शुरू करते हैं। यहाँ पर हम लगाएंगे, हमारे पास बाइसेप की कर्ल तो नहीं है, हम यहाँ दोनों बोटल्स को इस पोजिशन में रख के स्टार्ट करेंगे वर्कआउट। यहाँ पर हमारे पास वेट लाइट है गाइस, तो हमको अच्छे तरीके से स्क्वीज करना है और नीचे जाकर अच्छे तरीके से स्ट्रेच करना है ताकि हमारे बाजू अच्छी तरीके से पंप हो जाए। आप जब ऊपर लाएं तो 2 से 3 सेकंड तक बाजुओं को होल्ड कर लें, इसकी वजह से आपके बाजू अच्छी तरीके से वार्म अप हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने 12 सेट इस एंगल के निकाले हैं, 12 रेप्स मैंने इस सेट के इस एंगल के निकाले हैं। एंड अब मैं लगाऊंगा हैमर कर्ल, जिसमें हमारे बाजू, बाइसेप और ट्राइसेप दोनों पंप होंगे। यहाँ पर ऊपर ले जाके हमको अच्छी तरीके से स्क्वीज करना है और नीचे ले जाके अच्छी तरीके से हमको स्ट्रेच करना है ताकि हमारे जो ट्राइसेप है वहाँ पर भी जोर आए। पहला सेट लगाया सुपर सेट था, जो यहाँ पर आपको इसी के 2 टाइम मोर रिपीट करना है, हेवी वेट बढ़ाते हुए आपको रिपीट करना है। तो गाइस, यहाँ पर हमारा सेकंड सेट है, अभी सुपर सेट लगाएंगे हम अगेन। यहाँ पर वेट मैंने इंक्रीज कर दिया पहले से, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जब हाथ पीछे ले जाए तो उसको थोड़ा सा पीछे कर दीजिएगा ताकि आपके ट्राइसेप पे सही से जोर आए। और 2 सेकंड ऊपर होल्ड करें एंड 2 सेकंड आप नीचे होल्ड करें, क्योंकि वेट यहाँ पर हमारे पास हेवी है नहीं तो हम अच्छी तरीके से पंप कर सकते हैं। सेकंड सेट कंप्लीट हुआ है सुपर सेट का, जो हमने सेकंड सेट लगाया है। चलते हैं तीसरे सेट की तरफ। तो गाइस, यहाँ पर हमारा तीसरा और आखिरी सेट है जहाँ पर मैंने वेट और हेवी कर दिया है, क्योंकि हम 3 बोटल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं यहाँ पर। तो उससे स्टार्ट करते हैं। अभी याद रखें गाइस, आपको यहाँ पर भी अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है और स्क्वीज करना है, बहुत लाजमी है क्योंकि वेट लाइट है हमारे पास, तो उससे हमारे बाजू काफ़ी अच्छी तरीके से पंप होगी। गाइस, यहाँ पे हमारे 3 सेट कंप्लीट हुए हैं, अब हम चलते हैं हमारी 3rd एक्सरसाइज के ऊपर।
ओके गाइस, यहाँ पर हमारा तीसरा सेट है। पहला हमने सुपर सेट लगाया था, लेकिन हम यहाँ पर अब सिंगल सेट लगाएंगे, जिसके अंदर हम लगाएंगे क्लोज ग्रिप के अंदर हम बाइसेप्स को हमारे लगाएंगे। तो क्लोज ग्रिप बारबेल तो है ही नहीं हमारे पास, तो हम यहाँ पर बोतल से क्लोज ग्रिप करेंगे कुछ इस तरीके से। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बाइसेप के सिंगल सेट रखेंगे, क्योंकि क्लोज ग्रिप है, यहाँ बाजू काफ़ी सुन हो जाते हैं, मतलब थक जाता है हमारा बाजू काफ़ी। तो हमारा सेकंड सेट हम लगाते हैं अगेन क्लोज ग्रिप के अंदर। यहाँ पर भी आप याद रखें, आपको अच्छी तरीके से स्क्वीज करना है अपने बाजुओं को, और अच्छी तरीके से नीचे ले जाकर स्ट्रेच करना है, ताकि हमारे बाजू अच्छी तरीके से पंप हो जाए। हम रेस्ट पीरियड हम अपना कम रखेंगे। तो इस तरह हमारे तीन सेट कंप्लीट हुए हैं बाइसेप पे। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट एंगल की तरफ, जो ट्राइसेप का हम लगाएंगे, वो भी हम सिंगल लगाएंगे। तो गाइस, हमारे यहाँ पर सेकंड सेट में आप वेट हैवी कर सकते हैं, और या बेल्ट वाली भी लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट इस वेट का इस्तेमाल कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। जरूर याद रखें, आप अपने माइंड और मसल का कनेक्शन रखना आपस में, ये बहुत लाजमी होता है वर्कआउट के अंदर। बिकॉज माइंड और मसल का अगर आपका कनेक्शन नहीं होगा, तो आप अपने मसल को उस तरीके से हिट नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से आपको हिट करना है। सो गाइज, हमने पहली वर्कआउट हमारे बाइसेप की ब्रेकियालिस के लिए की थी, एंड सेकंड हमने ब्रेकियाई की थी, एंड थर्ड अब हम बाइसेप की लॉन्ग के लिए वर्कआउट करेंगे। सो यहाँ पर मैं इन छोटी बोतल से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ भी आपको अच्छी तरीके से स्पीड और अच्छी तरीके से स्ट्रेच करना है अपने बाइसेप को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। चलते हैं हम अपने सेकंड सेट के ऊपर। बताऊंगा। सो इसका पहला सेट में लाइट से स्टार्ट कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा गाइस, सेम इसी तरह आपको रिपीट करना है। तो यहाँ पर आपको अच्छी तरीके से स्क्वीज और स्ट्रेच, ये बहुत लाजमी है। और सेकंड थिंग जो है, हमको अपनी माइंड और मसल का कनेक्शन रखना भी जैसा हमारा सेकंड सेट, आप इसे थ्री टाइम्स रिपीट करें।
यहाँ हमारे पास सेम शॉट है, तो इस वजह से मैं आपको दो कभी दो कभी तीन रिपीट करके दिखा रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पर हमारा जो आखिरी सेट है वो डायमंड पुशअप का है, जहाँ पर हम ग्रिप क्लोज रख के लगाएंगे अपनी। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट सेट, यहाँ पर आपको 12 बार के 3 टाइम रिपीट करने हैं। पर अगर आपको पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों से भी शेयर करें उसको, और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक फौरन आ जाए। और गाइस मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लीजिए, और कुछ न्यू टिप्स वगैरह आपको अगर चाहिए हो, कोई सवाल आपको अगर पूछना हो तो आप वहाँ पर मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई जरूर करूँगा। ऑलराइट गाइस, टेक केयर, दिस इज बिलाल रज़ा।